सबसे पहले अगर आप किचन बनाने जा रहे हैं तो आपको आपके स्टोरेज के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बास्केट सिलेक्ट करने होती है। सबसे बेसिकली अगर मैं दिखाने जाऊं तो आपको एक बेसिक जो बास्केट्स आती है मॉड्यूलर किचन में जो रनिंग है वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आएगा कटलरी के लिए, कटलरी के लिए सबसे पहले आता है ये परफोरेटेड कटलरी बास्केट, जिसमें पूरा परफोरेटेड शीट होता है, जिसमें डिवाइडर होते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट साइज के आप कटलरीज रख सकते हैं। उसके बाद अगर सेकेंड ड्रॉवर में देखते हैं तो कप एंड सॉसर्स के लिए होता है, जैसे इसमें स्लॉट्स होते हैं तो आप वहाँ पे सॉसर्स रख सकते हैं और कप्स और मग्स वगैरह रख सकते हैं। उसके बाद आता है आपका थाली और प्लेट के लिए बास्केट, जिसमें स्लॉट्स होते हैं वहाँ पे आप थाली और प्लेट भी रख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नॉर्मल स्टोरेज के लिए, तो ये आपका प्लेन ड्रॉवर्स हो गया जिसमें कोई पार्टीशन नहीं होता है, जिसमें छोटे बाउल्स हो गए, ग्लास हो गए, नॉर्मल चॉपिंग बोर्ड हो गया, नैपकिन हो गया, वो सब आप इसमें रख सकते हैं। इसके नीचे अगेन ये भी प्लेन ड्रॉवर्स ही होता है, ये ऊपर वाले ड्रॉवर से थोड़ा बड़ा होता है जिसमें मीडियम साइज का स्टोरेज आप कर सकते हैं, जैसा हाफ के जी का बॉक्स हो गया या वो सब आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। और सबसे बड़े फिर आते हैं बड़े ड्रॉवर्स, जिसमें आप बड़ा बड़ा सामान स्टोर कर सकते हैं। तो इसी तरह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बास्केट्स आती है। बेसिक जो है वो स्टैंडर्ड जो है वो दिखा दिया है आपको। अगर सिंक के नीचे हम देखते हैं तो ये हो गया डिटर्जेंट पुल आउट हो गया, जिसमें आप डिटर्जेंट वगैरह रख सकते हैं। सिंक के नीचे और एक चीज़ आती है डस्टबिन के लिए जगह, यहाँ पे हमने एक स्लाइडर बिन रखा हुआ है, ये ऑप्शनल है। बेसिकली बिन के लिए एक नॉर्मल स्टेनलेस स्टील का रिंग होता है जिसके अंदर आपको नॉर्मल बिन रखना होता है। ये सिंक के नीचे के प्रोडक्ट्स हो गए। तो बेसिकली अभी जो आपने बास्केट्स देखी है सारी, ये बास्केट में आपको यही सिलेक्ट करना होता है कि किचन में आपको क्या क्या स्टोर करना है, वो हिसाब से आपको सिलेक्शन करना होता है। जैसे आपका हैवी यूटेंसिल का स्टोरेज ज़्यादा है तो बड़े ड्रॉवर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हिसाब से हम सजेशन देते हैं। अगर बड़े यूटेंसिल्स का रिक्वायरमेंट कम है तो वो हिसाब से हम छोटे ड्रॉवर्स की रिक्वायरमेंट देते हैं। उसी अकॉर्डिंगली आपको सिलेक्ट करना होता है कि कैसे हमको क्या बास्केट लेनी है।